तो ये है पालघर का रेलवे स्टेशन, हम आपको दिखा रहे हैं पालघर का रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस पालघर रेलवे स्टेशन पे। तो ये पालघर का बिजी रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो गांव जाने वाली ट्रेनें होती हैं जो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये इसी प्लेटफॉर्म नंबर जो 3 पर है, यहाँ से दादर की ट्रेन आती है और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। तो पालघर का स्टेशन आपको दिखा दे रहे हैं और कैसा है, और आप देख सकते हैं केवल स्टेशन पे बहुत सारे लोग, जैसे बोईसर में भीड़ होती है वैसे यहाँ पर उतनी नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक ठाक होता है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस चीज़ में आपको कैसा लग रहा है जी। तो ये पालघर का स्टेशन है और पालघर स्टेशन पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को खास मिल जाएंगी। तो दोस्तों हमने दिखाया आपको पालघर स्टेशन, और ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो पालघर स्टेशन पे आपको सबसे ज़्यादा नारियल मिलेगा यहाँ पर पानी पीने के लिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर सैंडविच काफ़ी सस्ता मिलता है, तो जो पालघर का स्टेशन का है आपको दिखाएंगे, सैंडविच का भी टेस्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस रेलवे स्टेशन पे मिलेगा खाने के लिए। तो आप हमें बताइएगा आप स्टेशन पर आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे जी। ये बहुत ही ज़्यादा बिजी स्टेशन में से एक है। यहाँ पर ट्रेन जो होती है वह आधा पौना घंटे के बीच में आती है, एक घंटे के बीच में आती है। लगातार ट्रेनें यहाँ पर नहीं आती हैं इस पालघर स्टेशन पे। तो देखिए यहाँ आगे तक नहीं है, यहीं तक ही है, और इसके बाद हम आपको रिटर्न बैक करके दिखाएंगे कि क्या कैसा है। तो बहुत इजी यहाँ पर आना है इस रेलवे स्टेशन पर। आप विरार से ट्रेन पकड़ सकते हैं, आप बोरीवली से भी पकड़ सकते हैं, धानू से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको केवल विरार से जो पालघर आने का जो कॉस्टिंग है वो 30 रुपीज़ है, यानी 36 किलोमीटर का ही ये सफ़र है और 30 रुपया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा पालघर, ये पालघर की पब्लिक कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम मिलेंगे कुछ और नया लेकर आपके सामने। शुक्रिया शुक्रिया। Yeah.